हेलो फ्रेंड्स, 1975 से 1982 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी 1 रुपए के सिक्के ढाले, उस सिक्के को डब्बू कॉइन बोला जाता है। आम भाषा में हम उसको डब्बू कॉइन बोलते हैं। वो सिक्के वजनी थे, उसका डायमीटर था 28 mm और वो सिक्के 8 ग्राम वजनी थे। लेकिन 1982 में ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा सिक्का ढाला जो 6 ग्राम का था और उसका डायमीटर था 26 mm, मेटल की कटौती कर दी गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस उत्सव, आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। मैं बात करता हूं इंडियन कॉइन्स और पेपर मनी के बारे में। पिछले 10-12 सालों से इंडियन कॉइन्स और पेपर मनी का कलेक्शन करता हूं और पिछले कुछ समय से उसके रिसर्च भी करता हूं। अलग अलग एग्जीबिशन में जाता हूं, न्यूमिस्मेटिक फील्ड के डीलरों से मिलता हूं, न्यूमिस्मेटिक फील्ड के जितने भी कलेक्टर्स है उसका कलेक्शन कम्प्लीट करवाने में मैं मदद करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए कीजिए, ताकि मैं इस चीज़ों से मोटिवेट होकर आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो कॉइन देख रहे हैं वो बहुत ही सामान्य कॉइन है, एक इसको डब्बू कॉइन बोला जाता है। ये कॉइन 1962, 1970, 1975 से लेके 1982 तक छापे गए थे। अब ये कॉइन है, इसका वजन रहता है 8 ग्राम और इसका डायमीटर रहता है 28 mm। ये कॉइन एक्चुअली बहुत बड़ा कॉइन था, इसमें मेटल भी ज़्यादा थी और इस कॉइन को टेकल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब अगर इस प्रकार के 100 सिक्के लेके आप जेब में लेके घूमेंगे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि एक तो ये कॉइन वजनी है, इसमें मेटल ज़्यादा है, इसको सर्कुलेशन में लोग बहुत कम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और साथ में उस टाइम शायद मेटल का भी प्राइस बढ़ गया होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने चेंज लाने के लिए 1982 के ईयर में एक कॉइन इश्यू किया जिसका डायमीटर था, ये कॉइन स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, जिसका डायमीटर था 26 mm और इसका वजन था 6 ग्राम। मतलब ये कम मेटल का और आराम से पॉकेट में रह जाए, बरोबर पर्टिकुलर सर्कुलेशन में हो जाए, उस प्रकार से ये कॉइन जारी किया। अब जो स्क्रीन पे जो कॉइन देख रहे हैं वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सबसे रेयर 1 रुपी में से 1 1 रुपी है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका डायमीटर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कॉइन या तो ट्रांजिशनल पीरियड के कॉइन बोले जाएंगे या तो ट्रायल स्ट्रक के कॉइन बोले जाएंगे, क्योंकि 1982 में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के डब्बू कॉइन के 1 रुपये छाप दिए थे। जैसे यहाँ पे एक 1980 दिख रहे हैं, उसी प्रकार से 1982 में इस प्रकार के बहुत कॉइन छाप दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाद में जाके ये कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई और इसको ट्रायल स्ट्रक या ट्रांजिशनल पीरियड का कॉइन बोला जाता है। अब ये कॉइन इतना रेयर क्यों है और इस कॉइन में डुप्लीकेट कैसे पहचानना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पे ये कॉइन देख रहे हैं, इसका अगर मैं रिवर्स दिखाऊंगा तो इसको वो बहुत रेयर बनाता है। ये है 1982 में ढाला गया बॉम्बे मिंट का 1 रुपी। आज की डेट में ये सबसे ज़्यादा रेयर 1 रुपी में से एक है। इस कॉइन को हर एक कॉइन कलेक्टर अपने कलेक्शन में रखना चाहेगा। स्क्रीन पे आप जो कॉइन देख रहे हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का कॉइन है। पर्टिकुलर डिटेल से इसकी एज रहती है वो सिक्योरिटी एज रहती है। देखिए, ये रीडेड एज का कॉइन नहीं होता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कॉइन में अगर आपको देखना है कि कौन सा कॉइन ओरिजिनल है, कौन सा कॉइन डुप्लीकेट है, उसका भी एक मापदंड है, वो मैं दिखाऊंगा। इसके साथ में एक और कॉइन लेता हूँ, ये है 1983 का बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया 1 रुपया। ये बहुत कॉमन कॉइन है। इस कॉइन की कीमत है मैक्सिमम मैं बताऊँ तो 20 से 25 रुपये, लेकिन इस कॉइन की कीमत है आज की मार्केट हिस्टोरिकल न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो इस कंडीशन में भी इस कॉइन की कीमत होती है 15 से 20 हज़ार रुपये, डिपेंड अपन द कंडीशन। हाँ, ये 1982 का रेयर 1 रुपी है। अब इसमें डुप्लीकेट कैसे पहचानना है? अगर आपको रिवर्स में ऐसा दिखे 1982 1 रुपी, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि इसका एज सिक्योरिटी एज है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, इस प्रकार से चेक कीजिए। ये देखिए, पर्टिकुलर सिक्योरिटी एज वाला कॉइन है, इसको सिक्योरिटी एज बोला जाता है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, उसके बाद अगर उसमें भी आपको इतना पता नहीं चल रहा है तो सबसे पहले ऐसे लायन चेक कीजिए, आपको लायन में डिफरेंस नज़र आएगा। 1982 में बड़ा लायन होता है, बाकी जितने भी और कॉइन्स होते हैं उसमें छोटा लायन होता है। अगर अभी भी आप लायन से भी नहीं समझ पा रहे कि कौन सा कॉइन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, देखो ये तो अलग ही कॉइन है,
लेकिन कभी भी 1982 में आपको ये वाला डी मिल जाए इंडिया का, ये वाला देखिए, इस डी को देखिए और अब इस डी को देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। आप इस डी को देखिए और इस डी को देखिए, अगर 1982 के 1 रुपी में इस प्रकार से डी लिखा हुआ होता है तो वो फेक 1 रुपी है, गलत 1 रुपी है। अगर 1982 के 1 रुपी में इस प्रकार से डी लिखा हुआ होता है, जो मेरे हाथ में कॉइन है, पीछे की भी डिटेल देख लीजिए, 1982 1 रुपी का कॉइन है, अगर इस प्रकार की डिटेल दी गई हुई है तो वो एक ओरिजिनल कॉइन है जिसमें कोई दोहराई नहीं है। साथ में आप सिक्योरिटी भी चेक कर लीजिए, तो आप अगर चेक करना है तो डी से भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं लिख के आपको बताऊं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए, अगर ओरिजिनल कॉइन रहता है तो आपको डी इस प्रकार नजर आएगा 1982 में, और डुप्लीकेट कॉइन रहता है तो आपको डी इस प्रकार से नजर आएगा। देखिए ये इसका इस प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि ये कॉइन तो 1983 का ही है, लेकिन मैं सिर्फ 1982 की बात कर रहा हूँ, 1982। इस प्रकार से आप 1982 में ओरिजिनल कौन से कॉइन है और डुप्लीकेट कौन से कॉइन है डी के जरिए आप पहचान सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगे तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपको लगता है कि मैं अपने चैनल में बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में।